Hi, this is Manisha Singh. Welcome back to your own YouTube channel. Friends, I hope you all are doing well and good and exam preparations are also going very well. So, आज आई हूँ आप सभी के लिए एक और खुशखबरी लेके जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है RRB यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से. फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि NTPC की तरफ से अभी नई भर्ती आई थी ग्रेजुएट पोस्ट के लिए, लेकिन अब जो भर्ती निकल के आई है वो अंडर ग्रेजुएट यानी 10+2 पास आउट कैंडिडेट्स के लिए है. बम्पर पोस्ट रहेगी, अलग अलग टाइप के आपको पोस्ट देखने को मिल जाएंगे. फ्रेंड्स, ये ग्रुप सी का पोस्ट रहेगा जिसके लिए ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई करेंगे. तो बात करेंगे इस पोस्ट के ऊपर कंप्लीट डिटेल्स में, लेकिन उससे पहले अगर आप इससे रिलेटेड शॉर्ट नोटिस, ऑफिशियल नोटिफिकेशन या फिर एग्जाम पैटर्न देखना चाहते हो, तीनों चीजें अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम चैनल पे. और हाँ, टेलीग्राम का लिंक ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, जाइए और जाके वहां पर भी फॉलो कर लीजिए. सो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इस पोस्ट के बारे में डिटेल्स में. RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट वैकेंसी. NTPC यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, मतलब कि टेक्निकल पोस्ट नहीं रहेगा, ये आपका सिविलियन भर्ती रहेगा. टोटल पोस्ट है 3445 यानी 3445 है. देखिए, शुरुआत में आपका भर्ती कम ही निकल के आता है, बाद में क्या होता है ना, जब फॉर्म अप्लाई हो जाएगा फिर सीट्स का वहां पर देखा जाएगा और बाद में सीट्स को इंक्रीज कर दिया जा रहा है. अभी देख रहे होंगे रिसेंटली जितना भी रेलवे का वैकेंसी आया है 8,000-10,000 से वैकेंसी आई, लेकिन बढ़ते बढ़ते न सीधे दुगुना 20,000 तक चला गया. तो ये भी सीट आपका बढ़ाया जाएगा इन फ्यूचर. फिलहाल देख लेते हैं किस पोस्ट का क्या सीट रहने वाला है. टोटल 4 पोस्ट आपका रहेगा 12th लेवल का. कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसके लिए 2022 यानी 2022 पोस्ट है, सबसे ज्यादा सीट आपका इसी के लिए रहेगा. फिर सेकेंड है ट्रेन्स क्लर्क यानी TC का, 72 यानी 72 पोस्ट रहेगा. अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसके लिए 361 रहेगा. जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसके लिए सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसी है, 990 यानी 990 पद रहेगा. ओवरऑल सीट्स है 3445. अब बात करते हैं इसके लिए कि अप्लाई का डेट क्या रहेगा. तो इसका जो ऑनलाइन स्टार्ट होगा आज यानी 21st of September से ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा. डिटेल नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है. तो फ्रेंड्स, इसका जो लास्ट डेट रहने वाला है ना 20 अक्टूबर 2024, मतलब आपको ओवरऑल 1 month का टाइम दिया जा रहा है. 21 सितंबर से 20 अक्टूबर तक फॉर्म अप्लाई होगा. आपको 20 अक्टूबर तक इंतजार नहीं करना है, जल्द से जल्द फॉर्म अप्लाई कर दीजिए. और हाँ, अगर आपने रेलवे का पिछला अभी जो न्यू आया है इस साल वैकेंसी, अगर कोई भी फॉर्म अप्लाई कर रखा है, RPF हो गया, ALP, NTPC का अगर ग्रेजुएट लेवल, तो आपको नया सिरे से रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, बस मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड है उससे लॉग इन करके और ये नई वाली भर्ती के लिए आप अप्लाई कर सकते हो. अप्लाई करते वक्त जो आपसे फी लिया जाता है, जनरल OBC और EWS से 500 यानी 500 रुपया लिया जाता है. वहीं पर अगर आप SC ST कैंडिडेट है, फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन है या फिर किसी भी कैटेगरी के फीमेल यानी महिला उम्मीदवार है तो आपसे 250 रुपीज लिया जाता है. याद रहे कि ये जो फी है ना, ये टोटली आपका रिफंडेबल होता है, पर किस बेसिस पे सरकार आपको पैसा रिफंड करती है, देखिए इसका जो एग्जाम होता है ना, स्टेज 1 के एग्जाम में आपको बैठना है. आप पास कर रहे हो फेल कर रहे हो इससे कोई मैटर नहीं करता है. आप एग्जाम दिए हो तो आपको पूरा पैसा वापस मिल जाएगा. और मान लेते हैं कि आपने फॉर्म भर दिया, आपसे 500 रुपया लिया गया और आप फिर एग्जाम देने नहीं गए तो वो पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा. एटलीस्ट एग्जाम में बैठोगे तभी रिफंड मिलता है. और हाँ, रिफंड किस अकॉर्डिंग मिलता है, देखिए जो 500 रुपया पे करते हैं ना जनरल OBC EWS, उनको वापस आता है 400 यानी 400 रुपीज. और SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन और फीमेल कैंडिडेट्स का फुल्ली रिफंड होता है, 250 का 250 उनको वापस मिल जाता है. ये तो था फॉर्म से रिलेटेड फी की बात. अब जानेंगे कि एज लिमिट क्या रहेगा. देखिए, एज ऑन 1st of January 2025 यानी 1 जनवरी 2025 आपका कट ऑफ डेट रहेगा एज के लिए.
एज की लिमिट की बात करें तो 18 to 33 यानी 33 वर्ष रहेगा। देखिए इसमें आपका 3 वर्ष जो है इंक्लूड किया गया है, जो कोरोना महामारी की वजह से एक्स्ट्रा एज का इस बार आया है। तो मैक्सिमम एज आपका ऐसे तो 30 वर्ष होता, लेकिन कोविड की वजह से 3 साल का यहाँ पर सबको छूट दिया गया, तो 18 से 33 वर्ष रहेगा। रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया जाता है ओबीसी को 3 ईयर्स का और एससी एसटी को 5 ईयर्स का। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो ओबीसी कैंडिडेट है उनके लिए 18 वर्ष से 36 वर्ष रहेगा, और एससी एसटी वालों के लिए ना 18 वर्ष से 38 यानी 38 ईयर्स रहेगा, मतलब कि 5 ईयर्स एक्स्ट्रा उनको मिलेगा एज का रिलैक्सेशन। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन के ऊपर। तो ऑलरेडी मैंने आपको 3-4 बार स्टार्टिंग से अभी इस वीडियो में बता दिया है कि 12th लेवल वैकेंसी है, अंडर ग्रेजुएट के लिए भर्ती रहेगी। तो इतना तो आप समझ चुके होंगे कि जिन्होंने भी 10+2 पास कर रखा है किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट साइंस या कॉमर्स, डजंट मैटर कि आपका स्ट्रीम क्या था, क्या परसेंटेज है, आप इंटर पास हो तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारी बेसिक जानकारी तो आप समझ चुके हैं। अब हम लोग आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर कि किन किन स्टेज से पास आउट करने के बाद यहाँ पर आपका सिलेक्शन होता है। सो व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसेस। देखिए टोटल आपका 5 स्टेज का सिलेक्शन प्रोसेस होगा। एट फर्स्ट स्टेज यू हैव टू क्लियर द CBT 1, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1, यानी कि आपका स्टेज 1 का एग्जाम क्वालिफाई करना है। फिर CBT 2 यानी कि स्टेज 2 एग्जाम आप निकालोगे। उसके बाद थर्ड स्टेज पर स्किल टेस्ट है। यहाँ पर टोटल 4 पद है, तो इसमें से 2 पद के लिए टाइपिंग होगा, बाकी जो ये 2 पद है, देखिए कमर्शियल कम टिकट क्लर्क और ट्रेन्स क्लर्क, इसके लिए CBT 1 दिया आपने, CBT 2 मतलब सिर्फ एग्जाम होगा, टाइपिंग नहीं होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा और मेडिकल होगा। ये दोनों जो पोस्ट है देख सकते हैं इसके लास्ट में लिख ही दिया है टाइपिस्ट, अकाउंट्स कलर कम टाइपिस्ट और जूनियर कलर कम टाइपिस्ट, इन दोनों के लिए ना टाइपिंग का टेस्ट होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पहले ही मेंशन किया था कि पोस्ट वाइज। उसके बाद आपका DV होगा, मेडिकल होगा, मतलब डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी, फिर सिंपल सा एक बेसिक मेडिकल होगा, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके घर पहुंचा दिया जाएगा, फिर आप जाके ज्वाइन कर लोगे। तो ज्वाइन करोगे आप अगर मेहनत अच्छी रही, तैयारी की स्पीड को आपने बूस्ट किया, सारा कुछ अगर अच्छे से हैंडल कर लेते हो सिलेबस वगैरह के बारे में, तो आप जरूर आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। लेकिन अगर एग्जाम सिलेबस को इन डिटेल देखना चाहते हो तो पहले ही बताया कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, तो उसको डाउनलोड करो, थोरो आउट देखो कि आप इसमें कहाँ पे कौन कौन सा चैप्टर आपका छूट रहा है, तो उसको आप कंप्लीट करो अभी से ताकि आपका एक सीट आप अचीव कर पाओ। चलो फिलहाल अब हम लोग बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर इन डिटेल में। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं CBT 1 का एग्जाम पैटर्न। अब CBT से तो समझ में आता है कि ऑनलाइन ही एग्जाम होगा, कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। तो आपका स्टेज 1 में 100 क्वेश्चंस का एग्जाम होगा फॉर 100 मार्क्स, विच मींस कि पर क्वेश्चन 1 मार्क मिलता है। टाइम जो होता है ना 90 मिनट्स यानी 1.5 घंटे का रहेगा, एंड देयर विल बी निगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3। सो वी अवेयर, सोच समझ के ही आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर को टिक करेंगे। गलत टिक करोगे तो उसके बदले में आपका 1/3 मार्क्स जो है डिडक्ट कर लिया जाएगा आपका राइट जो आपने आंसर किया है उसमें से, ठीक है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज। ओवरऑल 3 सब्जेक्ट से आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। रीजनिंग से 30 यानी कि 30 क्वेश्चन 30 नंबर के लिए, मैथमेटिक्स से आपका 30 क्वेश्चन फॉर 30 मार्क्स, लास्टली जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन फॉर 40 मार्क्स। अब जनरल अवेयरनेस में आपको इसमें GK GS, करेंट अफेयर्स, साइंस, कंप्यूटर सब कुछ इन्वॉल्व होता है। इसमें सबसे ज़्यादा आपको जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आपका जनरल अवेयरनेस अच्छा है तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, अगर नहीं है तो अभी से ही आप तैयारी शुरू करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ। उससे क्या होता है ना यहाँ पर बार बार रिपीट होते हैं। सो आई होप आप समझ रहे होंगे। ये था आपका CBT 1। इसमें क्वालिफाई होने के बाद अगेन आपको बुलाया जाता है स्टेज 2 के एग्जाम के लिए, जो कि CBT 2 होता है। ये भी ऑनलाइन होता है। इसमें आपको 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब पहले वाले में 100 और इसमें 20 क्वेश्चन बढ़ा दिया जाता है। 120 क्वेश्चन फॉर 120 मार्क्स, मतलब कि 120 प्रश्न 120 नंबर के लिए, पर क्वेश्चन आपको 1 मार्क मिलता है। टाइम यहाँ पर भी 90 मिनट्स रहेगा यानी 1.5 घंटे की परीक्षा होगी। निगेटिव मार्किंग सेम ही रहेगा 1/3 का।
सब्जेक्ट वाइज बात करें तो सेम ही वही तीनों सब्जेक्ट है, रीजनिंग, मैथ और जनरल अवेयरनेस। बस नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज किया गया। देखिए, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन फॉर 35 मार्क्स, मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन फॉर 35 मार्क्स, लास्टली जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन फॉर 50 मार्क्स। सो दिस इज योर CBT 2 एग्जाम पैटर्न। तो बाकी ये जो दो पोस्ट है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क और ट्रेंस क्लर्क, इसके लिए बस दोनों एग्जाम दिया आपने, आपको बुला के डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, मेडिकल होगा, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए आप फॉर्म भरते हो, CBT 1, CBT 2, उसके बाद स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो चलिए स्किल टेस्ट का डिटेल्स आपको समझा दूं। देखिए, स्किल टेस्ट में आपका टाइपिंग का टेस्ट होगा। एज यू ऑल नो कि दोनों पोस्ट के लास्ट में टाइपिस्ट है, तो टाइपिंग तो आपसे करवाएंगे, तो जानना जरूरी है ना भाई कि आपको टाइपिंग आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पर देखिए, टाइपिंग टेस्ट होता है, क्वालिफाइंग होता है, इसमें आपको पास करना ही है, नहीं करोगे तो एग्जाम का आपका मार्क्स कुछ काम नहीं आएगा। उसके बाद इसमें आपको 5% का मिस्टेक अलाउ होता है, अगर गलती करते हो 5% तो चलेगा, लेकिन टाइपिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब बात करें कि हिंदी या इंग्लिश, तो दोनों ऑप्शन होता है, आप जिसमें आपको आपको कॉन्फिडेंस है, जिसमें स्पीड बढ़िया है, आप उसमें दे सकते हो। तो हिंदी का आपका 25 वर्ड्स पर मिनट का स्पीड होना चाहिए और इंग्लिश का 30 वर्ड्स पर मिनट का। तो ये है स्किल टेस्ट। इसमें क्वालिफाई करने के बाद आपको DV एंड मेडिकल होगा, फिर आपको सर्व करना होगा एज अ अंडर ग्रेजुएट अच्छी पोस्ट के लिए। यहाँ पर देख सकते हो टोटल 4 पोस्ट है और चारों ही पोस्ट के लिए सैलरी बहुत अच्छी मिलती है। वैकेंसी की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया के लिए है, जोन वाइज आप देख सकते हो, जिस जोन के लिए अप्लाई करोगे वहां पे अगर वहां का कट ऑफ पार करोगे तो सर्व करने का आपको मौका दिया जाएगा। सर्विस के ड्यूरेशन में सैलरी आपको स्टार्टिंग में मिलती है 21,700, मतलब कि 22,000 के तकरीबन से शुरुआत होती है, एंड आफ्टर पर्स अलाउंसेस पर ईयर की इंक्रीमेंट के बाद सैलरी आपकी 69,100 हो जाती है। देखिए, ये बस नोटिफिकेशन में कहने को होता है कि आपको शुरुआत में 21,700 दिया जाएगा, जैसे ही आप ज्वाइन करोगे 30,000 से 35,000 के बीच में सैलरी रहेगा, बाद में बढ़ते बढ़ते क्या होगा 80,000-90,000 कर दिया जाएगा। अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, इसे मिस ना करें। और जैसा कि आपको पता है, डायरेक्ट 2019 के बाद ये भर्ती अभी निकल के आई है, तो इसका फायदा उठाए, तैयारी अच्छी रखें ताकि इस बार आपका एक सीट रेलवे में कंफर्म हो जाए। और एज में भी बहुत सारे बच्चों को रिलैक्सेशन मिल रहा है कोविड की वजह से, तो हर बार ऐसा नहीं होगा, तो इस अपॉर्चुनिटी को आप कृपया करके मिस ना करें, तो आपके लिए बेहतर होगा। एंड आई होप कि पोस्ट के रिगार्डिंग आपको सारी डिटेल्स मैंने प्रोवाइड कर दी हो। अब भी कहीं पर कुछ डाउट है, कंफ्यूजन है, तो बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना है, कमेंट सेक्शन में अपने क्वेरी को सॉल्व कर लेना है। अदरवाइज वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो एक लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आप ऑल पे सेट करके जाना, ताकि सारी न्यू जॉब की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन, स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।